Second application है expression for magnetic field B vector on the axis of a current carrying circular loop. इसके ऊपर स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट कर लें. आपके बोर्ड के पेपर में ये डेरिवेशन बहुत बार देखी गई है. फर्स्ट डेरिवेशन नहीं देखी गई, मेरे को लगता नहीं है कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन भी है, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ती है कि न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, कर लेनी चाहिए. लेकिन सेकेंड तो बहुत बार बोर्ड के अंदर मैंने खुद देखी है, तो इंपॉर्टेंट है. तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, देख रहे हो ये लूप है. आपको इस लूप के एक्सिस के ऊपर आर डिस्टेंस दूर बी की वैल्यू बतानी है. बाय सेवर्ट लॉ आपको स्मॉल एलिमेंट का डीवी तो बता देगा, पर पूरे लूप की वजह से बी नहीं बता पाएगा, आपको खुद इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले ये इमेजिन कर लें, आपका लूप करंट कैरिंग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे है, आउट ऑफ प्लेन है. आपका लूप बोर्ड के बाहर है और आप बी कहाँ निकाल रहे हैं? इसके एक्सिस पे. कर लिया इमेजिन? तो रूल नंबर वन, सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इस वायर का एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा. मान लो ये टॉप एलिमेंट है, ये डीएल वेक्टर है, और मैं आर डिस्टेंस दूर यहां पर क्या निकालूंगा? डीबी निकाल लूंगा, यहां पर डीबी निकाल लूंगा. इमेजिन कर पा रहे हैं? तो क्योंकि रिंग बाहर की तरफ है तो डीएल वेक्टर टॉप पे यहां पे होगा. ये डीएल वेक्टर है, इस डीएल वेक्टर से मुझे बी कहां निकालना है? एक्सिस पे. तो ये क्या बनेगा? आर वेक्टर. यही तो बना रखा है. ये देखो ये डीएल वेक्टर है, ये इसकी डेरिवेशन ना ऊपर लेनी पड़ेगी, जो शीट के स्टार्टिंग में कर रहे थे ना, यहां से करते हैं. ये रहा, ये रहा, सेम है. ये डीएल वेक्टर है, ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ रिंग है, एक्सिस पे डिस्टेंस स्मॉल आर है, और आपको इस डीएल से ये 90 डिग्री देख रहे हो, क्यों है 90 का मतलब है ये लूप बोर्ड के बाहर है, और आपका ये पॉइंट ऐसे है. तो आपका ये जो पॉइंट है यहां पे आपको बी निकालना है, डीबी यहां निकालना है. ये डीएल है, ये डीबी है, तो आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी. तो अगर ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो ये कितने हैं? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो यहां पे स्मॉल एलिमेंट डीएल लो, डीएल ने यहां डीबी कॉन्ट्रीब्यूट करना है. अब डीएल में डीएल कैसे है? बोर्ड के बाहर है. इधर देखो डीएल कैसे है? बोर्ड के बाहर है, ठीक. और आर वेक्टर कहां है? ये आर वेक्टर है जहां बी निकालना है. तो एक अगर एक वेक्टर बोर्ड के बाहर है और आपको एक बोर्ड के ऊपर एक लाइन ली, तो दोनों में हर वक्त एंगल क्या बनेगा? 90 तो बनना ही है, क्योंकि डीएल बोर्ड के बाहर जा रहे हैं और आर वेक्टर यहां जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में आउट ऑफ प्लेन, दो प्लेन में ही फर्क है, दो प्लेन में हमेशा एंगल 90 रहेगा, तो इसलिए एंगल हमेशा 90 है. तो इमेजिन करें यहां पर स्मॉल एलिमेंट डीएल है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या कॉन्ट्रीब्यूट होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर. तो डीबी क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो मेरे इस डायग्राम में डीएल वेक्टर ये रहा और डीबी यहां निकल रहा है, तो मेरे को ये डिस्टेंस देना पड़ेगा, पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा, जो कि ये आएगा. डीबी क्लियर है यहां तक? तो डीबी आ गया. सबसे इंपॉर्टेंट है डीबी की डायरेक्शन. ये डेरिवेशन बिल्कुल सेम फीलिंग देती है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी निकाला था, चार्ज रिंग का ई निकालना बड़ा आसान था. थीटा थीटा वर्टिकली ऑपोजिट आंसर. इसमें नहीं है वर्टिकली ऑपोजिट. इसमें डीबी वेक्टर की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. डीबी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए बायट सेवर्ट लॉ को इमेजिन करो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. वेक्टर फॉर्म में बायट सेवर्ट लॉ क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई गेरा. अगर आपको वेक्टर का रूल पता हो तो ये पता होगा कि डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर आता है वो ओरिजिनल दो वेक्टर के हमेशा 90 डिग्री पे होता है. अच्छा ऐसे कर लो, अगर ये आई कैप है ये जे कैप है, तो आंसर किस में आएगा? के कैप. आई क्रॉस जे क्या होता है? के. तो ये तो बात पक्की है कि डीएल वेक्टर आर वेक्टर और डीएल डीबी वेक्टर आपस में कितने एंगल पर होंगे? 90. अब ध्यान से समझना क्या होने वाला है. ये देखो ये आपका डीएल वेक्टर है, ये रहा ये पेन ऊपर वाला डीएल वेक्टर है, ठीक. ये डीएल वेक्टर है. नेक्स्ट ठीक है, ये डीएल वेक्टर है. नेक्स्ट है आपको इस डीएल वेक्टर के, आपको इस डीएल वेक्टर के
कुछ डिस्टेंस दूर क्या निकालना है, डी बी वैक्टर। तो ये आर वैक्टर है, ये डी एल वैक्टर है, राइट। डी बी वैक्टर, डी एल वैक्टर और आर वैक्टर की हमेशा 90 डिग्री पे होगा, अभी डिस्कस किया ना, ये डी एल वैक्टर है, ये आर वैक्टर है, तो डी बी वैक्टर इनके 90 डिग्री पे होगा। अब डी बी वैक्टर निकालना कहाँ है, यहाँ पे, तो इस पेन को यहाँ लग देता हूँ, रूल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये अभी यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो डी बी वैक्टर ये रहा। देखो ये डी एल वैक्टर है, ये आर वैक्टर है, डी बी वैक्टर, डी एल वैक्टर और आर वैक्टर के 90 भी होगा ना, तो यहाँ की बजाय यहाँ बना दूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 90 रखा है मैंने। ये देखो ये आपका डी एल वैक्टर है, ये आपका आर वैक्टर है, आर वैक्टर और डी बी वैक्टर के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा, 90, ये कह रहा हूँ 90 होगा, बना के दिखाया मैंने आपको 90। तो अगर ये 90 होगा और अगर ये एंगल थीटा है और ये भी 90 पे हैं, वाई और एक्स एक्सिस, तो अगर ये 90 तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये दोनों 90 पे हैं, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, थीटा भाई, तो 90 माइनस थीटा टोटल एंगल 90, तो ये थीटा। हालांकि आपसे कोई नहीं पूछेगा, पर मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे से पूछ सकते हो कि एंगल थीटा कैसे आया। तो स्टेप समझ में आया यहाँ तक, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो एक एलिमेंट आप ऊपर लें और सिमिलरली एक एलिमेंट नीचे भी लें, तो जो डायग्राम ऊपर बना वही बाइसिमेट्री डायग्राम नीचे लें, तो आप एक साथ डायमेट्रिकली दो एलिमेंट लें, एक एलिमेंट ऊपर लें एक नीचे लें, ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन डी बी वैक्टर यहाँ लें, नीचे का कॉन्ट्रीब्यूशन डी बी वैक्टर यहाँ लें, और इस डी बी वैक्टर के दो कॉम्पोनेंट लें, डी बी कॉस डी बी साइन, डी बी कॉस डी बी साइन, डी बी कॉस डी बी कॉस कैंसिल और डी साइन थीटा ऐड हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने सिर्फ दो एलिमेंट लिए, हमें तो पूरी रिंग लेनी है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी सेम रिजल्ट था, वो आसान था, वर्टिकली ऑपोजिट लिया, डी बी साइन कैंसिल होते थे उसमें, डी बी कॉस ऐड होते थे, डेरिवेशन याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें उल्टा है, इसमें कॉस कैंसिल हो रहे हैं, डी बी साइन थीटा ऐड हो रहे हैं। तो दो एलिमेंट्स लिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट, दो एलिमेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 2dB साइन थीटा, एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ डी बी साइन थीटा। तो आप एक काम करें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन लें डी बी साइन थीटा और उसकी क्या कर दें, इंटीग्रेशन। अब डी बी की वैल्यू तो ऊपर अब निकाल चुके हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी बी पुट कर दें और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसकी इंटीग्रेशन करें, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ है, सब कॉन्स्टेंट्स हैं, पूरी रिंग की लेंथ क्या लेंगे, 0 से लेके 2πr, तो इसको इंटीग्रेट करके 2πr और लास्ट में साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से क्या आएगी, कैपिटल आर बाय दिस टर्म, साइन थीटा कैपिटल आर बाय दिस टर्म। इस साइन थीटा को यहां पे उठा के पुट कर दें अंडर रूट और इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई होकर √3/2 और ये उसको रहने दें, ये फॉर्मूला नोट कर लें रिंग के एक्सिस पे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये फॉर्मूला नोट करें तो प्लीज़ एक डायग्राम जरूर बना लें कि जिसमें कैपिटल आर रेडियस ऑफ रिंग है और स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बी का ये फॉर्मूला नोट कर लें, वो बाद में करेंगे, वो नहीं करना, ये करना है, तो ये यूज़ होगा। रिंग का फॉर्मूला बहुत यूज होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, तो रिंग के एक्सिस के ऊपर बी का ये फॉर्मूला नोट कर लें और डेरिवेशन आती है पेपर में, CBSE में। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक,